तो काइजर क्रिसमस आ चुका है और काइजर लॉस सेंटोस में सेंटा भी आ चुके हैं। मुझे पता चला है यहाँ पर सेंटा है जो कि सारे के सारे लोगों की विशेष पूरी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आ चुका हूँ लॉस सेंटोस में। ठंड सही में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और आप देख सकते हैं हमें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर सेंटा आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, ये सेंटा और उनके डियर्स भी आ चुके हैं और ये कितने सारे गिफ्ट भी इनके पास पड़े हैं और ये सब लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हो हो हो, बोलो बच्ची क्या चाहिए? सेंटा सेंटा, मुझे F1 रेसिंग कार चाहिए। मैंने कभी आज तक रेसिंग कार नहीं चलाई, मुझे रेसिंग कार चाहिए। हो हो हो, क्यों नहीं बच्ची? हो हो हो, ये लो बच्ची रेसिंग कार। अरे सेंटा बहुत बहुत शुक्रिया, ये कार तो बहुत ही खतरनाक है। ये काइजर अभी आपने देखा कि सेंटा ने उस लड़की को F1 की रेसिंग कार दे दी। तो काइजर अगर मुझे भी कुछ चाहिए तो इस लाइन में खड़े होना पड़ेगा। फटाफट से खड़े होते हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो स्पाइडरमैन भी है। हेलो फ्रैंकलिन, कैसे हो? अबे स्पाइडरमैन तुझे क्या चाहिए, तू तो खुद एवेंजर एक सुपर हीरो है। अरे सुपर हीरो तो क्या हो गया, मुझे क्या गिफ्ट नहीं चाहिए होते, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। वैसे तो यहाँ पर कितनी देर से खड़ा है? अरे फ्रैंकलिन मुझे तो 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। क्या 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा है? मेरा नंबर कब आएगा? यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। पर कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा वेट करने वाले हैं क्योंकि सेंटा सिर्फ साल में एक ही बार आते हैं और हम जो बोलेंगे वो हमें देने वाले हैं। जल्दी जल्दी मेरा नंबर आ जाए, मैं कुछ खतरनाक मांगने वाला हूँ। हो हो हो, बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? सेंटा मुझे एक फुटबॉल चाहिए। हो हो हो, एक फुटबॉल से क्या होगा, ये लो 100 फुटबॉल। हो हो हो, ये लो फुटबॉल और उन सब का पापा, फुटबॉल पापा। अरे सांता ये तो बहुत ही अच्छी है, वाओ कितनी बड़ी फुटबॉल मिल गई मुझे, इससे फुटबॉल खेलने में तो बहुत ही मजा आएगा। तो काइजर अभी अभी वो अंकल आप देख सकते हो कितनी बड़ी फुटबॉल यहाँ से लेके गए। अरे वैसे स्पाइडरमैन तू क्या मांगने वाला है? मैं तुझे क्यों बताऊँ, अपना काम कर। अरे बता ना यार, ऐसा क्या कर रहा है, बता बता। पहले तुम बताओ फिर बताऊंगा। मैंने तो अभी तक सोचा नहीं है। हाँ तो मैंने भी सोचा, निकलो ऐसे। ये स्पाइडरमैन मेरे से कितनी गंदी तरीके से बात कर, मैं सिर्फ इससे पूछ रहा हूँ पर ये ढंग से जवाब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अपना वेट करते देखते कितनी देर में नंबर आएगा, अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। हो हो हो, ये लो तुम्हारा JCB। थैंक यू सेंटर, मुझे हमेशा से JCB चाहिए था, वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है। हो हो हो, ये लो तुम्हारी एक टायर वाली साइकिल। अरे सेंटा ब्लू बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ही मस्त है, मजा आ गया। हो हो हो, तुम्हें चाहिए था कुत्ता, ये लो कुत्ता। ये तो मेरे पीछे पड़ गया, बचाओ मुझे, मेरे को मत काट, मेरे को मत काट। हो हो हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ता पीछे पड़ गया मेरे। A few moments later. तो काइजर अभी आप देख सकते हो सिर्फ 4 जने और बचे हैं, उसके बाद मेरी बारी आने वाली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सूरज डूबने का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है और आखिरकार मेरी बारी आने वाली है। हो हो बच्चे, तुम्हें चाहिए प्लेन, अभी लो तुम्हारे गिफ्ट दे दे के मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, सेंटा को भी तो थोड़ी देर सोने दो बच्चे। अरे सेंटा मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया, आप जाके सो जाओ, बाय बाय। अरे भाई ये प्लेन तो बहुत खतरनाक है। अरे इसके बाद तो मेरी पारी आने वाली है, फ्रैंकलिन तुम देखना तुमसे पहले मुझे गिफ्ट मिलेगा। अरे हाँ चल चल आगे चल। अरे वाह मेरी पारी आ गई, सेंटा सेंटा मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ओ बच्चे आज के लिए बस इतना ही, आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैंने बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, अब और नहीं। अरे सेंटा ये क्या बोल रहे हो, हम इतनी देर से लाइन में खड़े, ऐसा मत करो। हो बच्चे मेरे पास अब गिफ्ट भी नहीं बचे, मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकता। और रुको रुको रुको, मेरे पास एक गिफ्ट बचा है, मैं तुम दोनों में से किसी एक की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है मेरी इच्छा पूरी कर दो। नहीं नहीं नहीं, लाइन में मैं आके खड़ा था, मेरी इच्छा पूरी करो। नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा पूरी करो। ओहो बच्चे तुम दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा, तुम दोनों में से किसी एक को गिफ्ट मिलने वाला है। ओहो हो, फ्रैंकलिन मुझे गिफ्ट लेने दो, मैं तुमसे छोटा हूँ। अरे छोटा है तो क्या हुआ, इतनी देर से लाइन में भी तो मैं भी खड़ा था। नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। नहीं स्पाइडरमैन मुझे गुस्सा मत दिला, मैं तुझे मार दूंगा। मैं
तुझे चाला मार के चुपका दूंगा। हो हो बच्चे लड़ो मत, इसका सॉल्यूशन मुझे ही निकालना पड़ेगा। मेरे पास आखिरी गिफ्ट बचा है, मैं तुम दोनों में से किसी एक की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो मैं तुम दोनों के बीच में एक चैलेंज कराने वाला हूँ। इस चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको मिलेगा वो आखिरी सरप्राइज। चैलेंज? कौन सा चैलेंज? बच्चे तुम दोनों के बीच में होने वाली एक ऑब्स्टेकल कोर्स का रेस, उसमें से जो भी जीतेगा उसकी इच्छा पूरी होगी और जो हारेगा उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी अगले साल क्रिसमस पर। मुझे तो मंजूर है, चलो चलो। हाँ मुझे मंजूर है। ओहो बच्चे आ जाओ मेरे साथ बैठो, हम जाने वाले हैं हमारे चैलेंज पर। ओहो बच्चों क्या तुम तैयार हो उस चैलेंज के लिए? हम तो बिल्कुल तैयार है, पर अंकल अपने इन हिरनों पे बिठा के क्यों हमको उड़ा रहे हो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ओहो बच्चों इसमें डरने की बात है, सेंटा तुम्हारे साथ है। चलो चलते हैं उस चैलेंज पर जिसमें हम डिसाइड करेंगे किसकी इच्छा होगी पूरी और कौन जाएगा अपने घर पे रोते रोते। स्पाइडरमैन के बच्चे जीतूंगा तो मैं ही। हाँ फ्रैंकलिन देख लेंगे कौन जीतेगा। अरे सेंटा थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ, कितनी तेज चला रहे हो, मुझे मजा में बहुत ही डर लग रहा है। ओहो डरो मत बच्चों, मेरी क्रिसमस। ओहो बच्चों तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये चैलेंज होने वाला है फ्रैंकलिन और स्पाइडरमैन के बीच में। ओहो चलो मैं बताता हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। तुम्हारी सेंटा क्लॉस वाली गाड़ियाँ रेडी है, उनको लेके जाने वाला है इस खतरनाक से रैम चैलेंज में। ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल पार करते करते, इन कांचों को डिस्ट्रॉय करते करते तुम्हें इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। पर याद रखना ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। जो भी ये सारे ऑब्स्टेकल पार करते करते आएगा फिनिशिंग लाइन पर और इन फुटबॉल्स को गोल करेगा, वो जीतने वाला है इच्छा वाली ट्रॉफी। जिसके पास होगी ये ट्रॉफी मैं उसी की इच्छा पूरी करूंगा। हो 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 चलो चैलेंज को शुरू करते हैं। सेंटा आप टेंशन मत लो, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। सिर्फ मेरी इच्छा पूरी होगी और किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी। अरे हाँ देखते देखते स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, पर आप टेंशन मत लो, ये कैसे भी करके मैं जीत के रहूंगा। तुम अपने सपने में जीतोगे और मैं रियल लाइफ में। और कैसर भी आप देख सकते हो स्पाइडरमैन निकल चुका है इस चैलेंज को करने के लिए। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल इसलिए होने वाला है क्योंकि पूरी पूरे रोड पर बर्फ फैली हुई है। इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है लॉस सेंटोस में कि हर जगह बर्फ फैली हुई है, तो गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। गाड़ी चलाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं इस चैलेंज को जीत के रहूंगा। हो हो स्पाइडरमैन अगर तुम ये चैलेंज जीतते हो तो तुम क्या विश मांगोगे? अरे सेंटा टेंशन मत लो, मैं आपको विश जरूर बताऊंगा जब मैं ये चैलेंज जीतूंगा। चलो फटाफट से चलते हैं। कैसे हमारे स्पाइडरमैन को लगता है वो ये चैलेंज जीतने वाला है, पर उसको पता नहीं मैं कितना खतरनाक ड्राइवर हूँ। और अभी स्पाइडरमैन यहाँ से जा रहा है फुल स्पीड में और ये टायर के बीच में से अपनी गाड़ी को निकाल लिया है इसने और ये फुल स्पीड में जा रहा है फिनिशिंग लाइन पे जहाँ पे इसको गोल करना है। तुम टेंशन मत लो, मैं ये जीत के रहूंगा। और ये क्या, स्पाइडरमैन ने अपनी गाड़ी को ज्यादा ही तेज चला दिया और वो हो चुका है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई। हो फ्रैंकलिन अब तुम्हारी बारी। ओके सेंटा अब मेरी बारी है। तो गाइस चलो यार फुल स्पीड में चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। अपने स्पाइडरमैन इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया, पर आप टेंशन मत लो, मैं इस चैलेंज को आराम से कंप्लीट कर दूंगा। फटाफट इन कांच को तोड़ते तोड़ते निकलने, स्पाइडरमैन ने पहले आधे कांच तोड़ दिए, पर आप टेंशन मत लो, मैं इस चैलेंज को जीत के रहूंगा। और ये मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या हो रहा है, ये स्नो में गाड़ी चलाना सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी हम इस गाड़ी को फुल स्पीड में चलाएंगे और ये चैलेंज जीत के दिखाएंगे। चलो फटाफट से चलते हैं। चलो गाइस यार फुल स्पीड में अभी हम जा रहे हैं और अभी हम टायर पे अपना जंप करने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जंप करने की, मैं अपनी गाड़ी को इस वाले रोड से जंप करवाने वाला हूँ। तो फटाफट से लेके चलते हैं इसको ऊपर और अभी ये करने वाले हैं हम बढ़िया सा जंप और हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये
पंखे ने मार दिया। अबे पागल पंखे, स्पाइडरमैन को तो नहीं मारा था, मुझे मार दिया। पर आप टेंशन मत लो, अभी हम क्या पे वापस से सीधे हो चुके हैं और सामने मुझे अपना गोल दिखाई दे रहा है। मुझे उस फुटबॉल को गोल में डालना है और फिर सेंटा क्लॉज मेरी इच्छा पूरी करने वाले। वैसे मैंने अभी तक सोचा नहीं कि मैं इच्छा क्या मांगने वाला हूँ। अगर गाइस आपके पास कोई भी अच्छी सी विश है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं वही सेंटा क्लॉज से मांगूंगा। और अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके, हमने ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया और ये गोल। तो हमने ये सारी की सारी फुटबॉल्स को गोल कर दिया है और हम ये चैलेंज जीत चुके हैं। इसका मतलब वो ट्रॉफी मैं जीत चुका हूँ। और काइजर, ये ट्रॉफी होती है मेरी। हो 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 फ्रैंकलिन, तुम ये चैलेंज जीत गए। तो मेरे बच्चे क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए ये तो मैंने सोचा नहीं। रुक जाओ, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो काइजर मैं क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं कार मांगू, क्या मैं बाइक मांगू, या फिर एक मेंशन मांगू, या एक बड़ी बिल्डिंग, क्या मांगू? हो बच्चे जल्दी बोलो, क्या चाहिए? मुझे 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 अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया मुझे क्या चाहिए। सेंटा, मुझे ऐसी शक्तियाँ चाहिए, मैं किसी भी चीज को टच करूँ तो वो बन जाए गोल्ड की। हो बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छी विश है, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। पर उससे पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सबको मेरी विश पूरी करनी पड़ेगी। क्या आपकी विश? कौन सी विश? हो जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा मेरी क्रिसमस। अरे ये तो बहुत इजी है। तो कहें सर, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो मेरी क्रिसमस। उसके बाद मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, जल्दी जल्दी कर दो। हो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। बच्ची तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। क्या मेरी इच्छा पूरी हो गई? इसका मतलब मैं किसी भी चीज को टच करूंगा तो वो गोल्ड की बन जाएगी। चलो इसको टच करते हैं। एक सेकेंड, ये तो पहले से गोल्ड है, इस डायमंड को टच करते हैं, देखते हैं अगर हम डायमंड को टच करें तो वो क्या बनेगा, क्या वो गोल्ड बनेगा। ये ले। और कैसर आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है पूरी क्रेट भर के गोल्ड और इसके ऊपर बर्फ गिरने की वजह से व्हाइट हो गया, पर ये गोल्ड है, ये बहुत ही ज्यादा गोल्ड हमारे पास आ चुका है और मेरे पास शक्ति अभी आ चुकी है किसी भी चीज को टच करके गोल्ड की बनाने की। सबसे पहले मैं इस क्रिसमस कार को टच करने वाला हूँ, क्या ये गोल्ड की बनेगी? हो बच्चे, सेंटा का जादू तुम सेंटा की कार पे नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलो सेंटा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खतरनाक शक्ति देने के लिए, मैं जा रहा हूँ। हो बच्चे मेरी क्रिसमस। हाँ सेंटा मेरी क्रिसमस। तो काइजर आखिरकार हमें हमारी शक्तियाँ मिल चुकी है और अभी हम जाने वाले इन शक्तियों का यूज करेंगे और बहुत सारी चीजों को गोल्ड का बनाने वाले हैं। चलो बच्चा। तो काइजर सारी की सारी चीजें गोल्ड करने से पहले मैं आ चुका हूँ इन लोगों के पास, क्योंकि यार इनको भी तो क्रिसमस मनाना जरूरी है। आप देख सकते हो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लॉस सेंटोस में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये लोग ऐसे रोडों पर रह रहे हैं, ये यहाँ पर क्रिसमस भी मना रहे हैं। और भैया हैप्पी क्रिसमस। अरे भैया मेरी क्रिसमस टू यू। तो आज मैं आपकी मदद करने आ चुका हूँ। तो काइजर इनके पास देख सकते हो आप कैसी कैसी गाड़ियां यहाँ पर, बिल्कुल यार टूटी फूटी गाड़ी है और ये बहुत ही ज्यादा पुरानी भी है। तो इन सब गाड़ियों को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ गोल्ड में, ताकि अगर ये इस गाड़ी को बेचे तो ये आराम से घर मेंशन सब के सब चीजें खरीद सकते अपने लिए। तो फटाफट से इनकी गाड़ियों को टच करके कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में। सबसे पहले 1 2 और ये 3। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैंने सारी की सारी गाड़ियों को गोल्ड में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है और इनके जितनी चीजें पड़ी है मैं उन सबको गोल्ड का कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसको भी गोल्ड का बराबर कर देते हैं, इनके कंबल को भी, सारी की सारी टेबल को भी, क्रिसमस ट्री को भी, और ये सारी की सारी चीजें मैं अभी गोल्ड की कन्वर्ट करने वाला हूँ। और काइजर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा गोल्ड यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर भी गोल्ड, सामने भी गोल्ड 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 गोल्ड। अंकल मेरी क्रिसमस, चलो मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकल। तो काइजर इन लोगों की मदद तो मैंने कर दी है, अब बारी मेरी, मुझे कर रही है अपनी क्रिसमस शॉपिंग। मैं बहुत सारी चीजें लेने वाला हूँ, सबको गोल्ड का कन्वर्ट करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। तो काइजर हमारी क्रिसमस की शॉपिंग हो चुकी है डन और हमने अपनी क्रिसमस शॉपिंग में ये बढ़िया सा घर भी यहाँ पर खरीद लिया है और ये भी पूरा का पूरा स्नो में कवर हो रखा है। आप देखिए सारे के सारे पेड़ भी स्नो में कवर हो रखा है।
चुके हैं और अभी हम आ चुके अपने नए नए घर पे। तो कैसर आपका स्वागत है हमारे नए नए घर पे। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पर पूरी शॉपिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर खरीदी एक लिमोजीन, दो सुपर कार्स और ये सेंटा क्लॉस का ये पूरा हिरन वाला मैंने खरीद लिया है। इसको लेके हम उड़ सकते हैं लॉस सेंटोस में, बहुत ही खतरनाक है। और हमने ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर खरीद लिया है और हमारा घर तो है ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक। यहाँ से पूरे के पूरे लॉस सेंटोस के समुद्र का व्यू आता है। हमारे पास स्विमिंग पूल भी है और इस स्विमिंग पूल में गर्म पानी है। पूरे लॉस सेंटोस में बर्फ जमी पर हमारे स्विमिंग पूल में गर्म गर्म पानी आता है जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अपना घर तो अपन बाद में देख सकते हैं, सबसे पहले सारी चीजों को गोल्ड का कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को 1 2 3। और अभी हेलीकॉप्टर हो चुका है गोल्ड में कन्वर्ट। आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब फटाफट से लिमोजीन और दोनों गाड़ी को भी कन्वर्ट करते हैं। ये लिमोजीन और ये दोनों सुपर कार्स को भी टच कर दिया है। और गाइस यार अभी आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें अभी कन्वर्ट हो चुकी है खतरनाक से गोल्ड में। और ये लिमोजीन तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसको बाहर कैसे निकालूंगा, हर जगह से मैंने रास्ता बंद कर दिया है। पर कोई बात नहीं, हमारे पास नया घर आ चुका है, नई गाड़ियां और ये नया नया सेंटा क्लॉस का रेनडियर। इसको बोलते क्या है अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। मतलब कि सेंटा क्लॉस की गाड़ी, इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। चलो कहते फटाफट से इसको उड़ा लेते हवा में। मैं बन चुका हूँ लॉस सेंटोस का नया सेंटा। मैं जाके लोगों को दूंगा बहुत सारे गिफ्ट्स, उनकी सारी की सारी चीजों को कन्वर्ट करूंगा गोल्ड में। आप भी जाओ अपना क्रिसमस बनाओ, मैं भी जाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।